नमस्कार, आप देख रहे हैं द संदर्भ आर्या स्टेशन और मैं टमी बॉय आपसे ये आशा करता हूँ कि आप अपना मुंह बंद रखिए और मेरे फूड रिव्यू चैनल देखते रहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदर्भ उर्फ टमी बॉय, आपका टमी बॉय। इस बार मैं आया हूँ पोर्च कैफे। आई होप आपके जो यहाँ के जो रिव्यूज़ है, जो आपके यहाँ का फूड बेस्ट आउटकम फूड्स है, वो आप यहाँ पे आइए। आप यहाँ पे अब हर बार कंफ्यूज होते होंगे कि आप हम क्या कोई नई कैफ़े जाते हैं, उधर का क्या है बेस्ट आउटकम, बेस्ट शोकेस जो हमें खाने के लिए मिले, वो हम आपके लिए लेके आया हूँ। अब मैं जो भी कैफे रिव्यू करूँगा, जो भी देहरादून के जितने भी कैफेज हैं वहाँ के कैफेज में जाऊँगा और आपको वहाँ का फूड रिव्यू दूँगा, ताकि आप जब भी जाएँ वहाँ का बेस्ट आउटकम, बेस्ट आपका फूड आप खा सकें। थैंक यू, आइए चलते हैं। अब हम यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ का व्यू है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन्यू दिखाता हूँ, ये यहाँ का मेन्यू है। अंदर कभी किसी एक मेन्यू की कभी हम डिश को लोकेशन ये शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की प्राइसिंग कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। और मेरे साथ है वैष्णव डंगवाल जो मेरी जूनियर है और ये मेरी छोटी बहन है। तो हम मोस्टली अब जाते रहते हैं कहीं ना कहीं हम कैफेज में, और इस बार हमने यहाँ पे ऑर्डर हमें लगा है सबसे अच्छा, आई गेस हमने सबसे पीना है हमें स्ट्रॉबेरी मोहितो, इन अ वर्जन मोहितो पीना। देन उसके बाद हमने एक ऑर्डर किया है यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें ये पहली भी आई है, तो इसने ये सजेस्ट किया कि यहाँ की गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी है, तो अब हम वो टेस्ट करने वाले हैं। हाँ, तो जो हम यहाँ का जो फूड हम टेस्ट करेंगे वो हम तीन कैटेगरीज़ में जज करेंगे। फर्स्ट हमारा प्लेटिंग होगी, देन उसके बाद टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग बहुत मैटर करती है। और थर्ड हमारा होगा कॉस्ट बैलेंस, जितने कि वो फूड है उसके हिसाब से वो कॉस्ट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। और हम चाहते हैं कि जहाँ भी हम कैफेज में जाएँ उधर का आप जो बेस्ट फूड है वो आप टेस्ट करें, और जो हमें पसंद आ रहा है हम ये आशा करें कि आपको भी पसंद आए। सबसे पहले ये हमारा स्ट्रॉबेरी मोहितो, और जो इसका लुक है और इसको जो कलर है वो बहुत वाइब्रेंट है, और हम इसको 5 out of 5 देंगे। और इसके बाद हम टेस्ट करते हैं इसको। हम टेस्टिंग में इसको देंगे 5, 4.5। जो स्ट्रॉबेरी मोहितो की कॉस्ट है वो 45 rupees है। आई गेस ये बहुत अच्छी प्राइस है, इससे सस्ता कहीं मोहितो नहीं मिलेगा आई गेस। और हमारी आगे वैष्णवी होता है ही वैष्णवी। अच्छा, आपको कैसे है, आपको कैसे लुक्स में, मतलब प्लेटिंग में कितना मार्क्स देंगे लुक्स में? 5 देंगे। ओके, टेस्टिंग में अच्छा है काफ़ी। ओके, सारा टेस्ट बाहर आ रहा है फूड के नींबू। ओके, मेन। ओके, जो आप इसकी कॉस्टिंग है 45 rupees। अब आपको लगता है सेटिस्फाइड है, वर्थ इट? हाँ, पॉकेट फ्रेंडली है। उसके बाद हमारे पास है गार्लिक ब्रेड, आप टेस्ट करना चाहोगे? जो पहले तो हम बताएंगे गार्लिक ब्रेड की जो प्लेटिंग है बहुत अच्छी है, और जो उसका टेस्ट है बहुत अच्छा है। हम प्लेटिंग में इसको 5 out of 5 देंगे, टेस्टिंग 5 out of 5। और इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितना गार्लिक ब्रेड वाली? इसकी गार्लिक ब्रेड है 59 rupees। गार्लिक ब्रेड की कॉस्ट है 59 rupees, आई गेस ये वर्थ इट है। फिर हमारे पास है नया कुछ ब्रेड पिज़्ज़ा की कॉस्ट है ब्रेड पिज़्ज़ा। पहले तो हम लुक्स में इसको जज करेंगे, हैं इसकी आप प्राइस सुन के दंग हो जाएंगे। और सबसे पहले ब्रेड पिज़्ज़ा, इसकी प्लेटिंग 5 out of 5, और इसके टेस्ट हम बुक करते हैं। वैसे में तुझे करना ना, मतलब मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ, बट जो इसकी टेस्टिंग है, अगर 5 भी होगा 10 भी होगा 10 दूँगा इसको भाई, बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसकी कॉस्ट है जस्ट 39 rupees। मतलब अब मुझे ऐसी, हाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैं रो जाऊँ यहाँ पे। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे आइए, ब्रेड पिज़्ज़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड पिज़्ज़ा अभी तक मुझे यहाँ का बेस्ट लगा, आपको भी? ठीक, आइए। फाइनली हम सब कुछ खा चुके हैं, और यहाँ का ये बेल है
ये बिल है, इट्स जस्ट 188 रुपीस, और आई गेस ये बहुत वर्थ इट है. आप यहाँ जरूर रहिएगा, यहाँ सीरियसली यार इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा. मैं बोलो इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा. चले